जनतेचे प्रश्न सोडवणाऱ्या प्रशासनाचे प्रशासकीय इमारतीकडेच दुर्लक्ष पशुवैद्यकीय रुग्णालय स्वतःच्या स्थितीवर अश्रू ढाळत असल्याची परिस्थिती दिसून येत आहे या बिल्डिंग आणि परिसराकडे शासनाचे दुर्लक्ष असून इथे घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे बघूया ही रिपोर्ट जिल्ह्यातील उपनगर मानले जाणारे कामठी शहर या शहरात नागपूर जिल्ह्यातील तालुक्यांतील सर्वात मोठे पशुवैद्यकीय रुग्णालय आहे या रुग्णालयाची इमारत व पटांगण मोठे आहे तर हे रुग्णालय क श्रेणीमध्ये येत असून या रुग्णालयात क्लास वन अधिकारी डॉक्टरांची नियुक्ती आहे तर या रुग्णालयात डॉक्टर व कर्मचारी राहण्याची देखील सोय केली मात्र या इमारतीला आपण बघितल्यानंतर जणू शहरातील डम्पिंग यार्ड बनले आहे या इमारतीपुढे घाणीचे साम्राज्य आहे तर डुकरांचा पूर्ण इमारतीत हैदोस आहे तर येथील डॉक्टर अनेक वर्षांपासून अशाच परिस्थितीत येथे बसतात ही खरी वास्तविकता आहे दोन हजार सोळा आधी या इमारतींचे बांधकाम झाले तर दोन हजार सोळामध्ये इमारत पशुवैद्यकीय रुग्णालयाला हस्तांतरित करण्यात आली तर ही भव्य इमारत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्वात मोठे पशुवैद्यकीय रुग्णालय आहे मात्र या इमारतीसाठी जिल्हाधिकारीपासून तर नगर प्रशासन व जिल्हा परिषद यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आले तर काही अधिकारी या रुग्णालयाशी वास्तविकता बघितली मात्र अद्याप या प्रशासकीय इमारतीकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही तर सामान्य नागरिकांचे प्रश्न कसे सुटतील हा खरा प्रश्न आहे यहाँ पे आने के बाद में जो बेसिक है कि यहाँ पे बहुत गंदगी है पेशेंट के बहुत प्रॉब्लम जाते हैं गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है सुअर आते हैं आरोग्य के प्रॉब्लम है पानी जमा होता है बारिश आने के बाद में कीचड़ होता है बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम है 2016 में हॉस्पिटल के निर्माण हुआ है यहाँ पे यहाँ के अधिकारियों ने आज तक बहुत सारा फॉलोअप किया है लेकिन कोई उचित कार्रवाई हुई नहीं है और ना ये कचरा डालना अब तक बंद हुआ है ब्रिजिंग की हालत जो है पीछे के साइड में जर्जर हुई है ये यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी वो अभी गिरा दिए है वो गिराने के बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है दिन ब दिन जो कचरा है वो रस्ते पे डालना चालू हो गया है प्रशासन को कुछ नहीं बोलना चाहेंगे नगर नगर परिषद ने की तरफ ध्यान देखिए ये कचरा डंपिंग यार्ड नहीं है और ये कचरा नहीं डालना चाहिए उन्होंने यहाँ पे ये यह तुरंत बंद कर देना चाहिए यहाँ पे आने वाले लोगों की समस्या तो दिखती है आप लोग खुद देख सकते हो प्रॉब्लम ये है सर कि मीन्स इतनी गंदगी है ना यहाँ पर कुछ टाइम पहले दो में जब इनोग्रेशन हुआ था तो बहुत अच्छा था ये उसके बाद में यहाँ पे कचरा फेंकना यहाँ के जो भी वार्ड मेंबर है उनने मतलब ध्यान देन नहीं देना लोकल हमारी जो नगर परिषद है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया वरना देते वार्ड मेंबर का काम है यहाँ पे ध्यान देन देना हॉस्पिटल में आके विजिट करना पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखाते हैं कि यहाँ पर सब चीज़ अच्छी है गवर्नमेंट की इतनी अच्छी लैंड मिली है लोगों ने इसका अच्छा यूज़ करना चाहिए कॉपरेट करना चाहिए पर ऐसा कुछ कॉपरेशन किसी के लिए भी नहीं है जनता वैसे ही मतलब परेशान है जानवर भी परेशान है और जनता ही परेशान है यही गंदगी अगर वार्ड मेंबर अपने अपने घर पे अगर गंदगी आप देखो या फिर एनएमसी के जो हेड है नगर परिषद के जो हेड है उनके घर पे अगर गंदगी अगर ऐसी जाएंगी तो वाकई में रह सकते हैं क्या